भाई ठीक दिख रहे हैं, बाल बाल ऑल सेट? भाई बहुत मेहनत करके यहाँ पे आया हूँ, पहली बार होस्टिंग कर रहा हूँ, कुछ भी ऊपर नीचे नीचे मेरे को, हाँ बहुत कुछ सीखा, इनफैक्ट मैजिक सीख लिया भाई मैंने, दिखाऊं? वेलकम टू बीजेवाई अपडेट 3.1। ये अभी तक का सबसे ज्यादा एक्साइटिंग अपडेट रहने वाला है, तो फिर देर किस बात की, आइए बुलाते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट को मेरे स्पेशल तरीके से। चल 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 आजा, दो ही बचे हैं, जल्दी आओ गाइस, कवर टू कवर खेलो, दो ही बचे, दो ही बचे, आ जा गाड़ी में बैठ जाओ, गॉब्लिन मेरे साथ चल, मेरे साथ। अरे यार पुश कर, पुश कर, नेट कैंसिल कर, बैठ जा गाड़ी में, गाड़ी में, गाड़ी में, चल। वो क्या कर रहा है ब्रो, और मत दे जल्दी आ। हम सब यहाँ पे क्यों है और क्या कर रहे हैं? गाइस रिलैक्स, मैं हूं ना, मैं सब कुछ बताता हूँ। बीजेवाई में एक नया अपडेट आ रहा है 3.1 का, जो इतना ज्यादा एक्साइटिंग है ना, मतलब उसमें वो सब कुछ है जो हम सपने में भी नहीं सोच सकते। सो इसलिए मैंने सोचा कि कॉम्पिटिटिव सिनेरियो में जब आप लोग इतना ग्राइंड कर रहे हो, तो क्यों ना आप लोग को गेस्ट की तरह बुलाया जाए और ये जो पॉडकास्ट है ये की जाए। हमें लगा था तो फेमस लोगों बुलाते हैं पॉडकास्ट पे, और हम में से कोई फेमस लग नहीं रहा। ये तो भाई साहब रोड पे हैं, रोड टू 500 के चल रहे हैं इनका, कहाँ से फेमस है हम। वो सब छोड़ो अंकित भाई, आप जिनी होस्ट कैसे? लेकिन देखो सीख रहा हूँ मैं, बहुत मेहनत की है, बहुत सारी मैजिकल पावर्स मैंने सीखी है, और सो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करेंगे होस्टिंग और इस मैजिक दोनों में। अबे ये सारी बातें छोड़ो, वो खाली क्यों है सीट भाई? एक सेकेंड, अभी थोड़ा नया नया सीखा ना, तो थोड़ा बहुत दिक्कत होती है। ठीक है यार, आज क्या चल रहा है? यार आपका बुलाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है यार। अरे गाइस एक्चुअली थोड़ा ट्रैफिक हो गया है मैजिक में, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो आ जाएगा, गॉब्लिन है ना, आई एम प्रीटी श्योर जल्दी आ जाएगा, चल मारो। अब देखो समय हो चुका है कि बीजेवाई अपडेट 3.1 में क्या क्या ख्वाहिशें आपकी पूरी हो रही है, वो सब कुछ बताने का, वो सब कुछ रिवील करने का, लेकिन वो सब कुछ लिखा है इस स्क्रोल में। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात है, इस स्क्रोल को आप सिर्फ मैजिक लैंप से ही पढ़ पाएंगे। सो यस पावर, थैंक यू। अरेबियन नाइट स्काई हाई स्पेक्टिकल मोड वैनिटी। यार आज कोई शूट था क्या? अरे अरेबियन थीम मोड है तो उसके अंदर मैजिकल कारपेट 100% रहेगा। यार आएगा मैजिक कारपेट, लेकिन हम इतनी आसानी से थोड़ा ना सारे अपडेट्स रिवील कर देंगे, बहुत सारे अपडेट्स हैं, बहुत एक्साइटिंग अपडेट्स हैं। ऐसा करते हैं गेम खेलते, इस गेम का नाम है अपडेट और नॉट। इसमें क्या होगा ना कि मैं आप लोग को एक अपडेट बताऊंगा और हमें गेस करना होगा कि अपडेट सही है या नहीं, है ना? अरे तुम लोग को ये सब कुछ कैसे पता है यार, मतलब ये तो... ओ फाइनली गाइस देखा मेरा मैजिक क्या सही था। गॉब्लिन क्या हाल है? अरे ये सब छोड़ ब्रो, पहले तो होस्टिंग लेवल अप कर ले ब्रो। ये देखो अभी ना थोड़ा नया नया है, आई मेक श्योर कि ठीक सॉर्ट हो जाएगा, सब सॉर्टेड रहेगा, टेंशन मत लो। अभी हम क्या कर रहे हैं ना, मैं तेरे को बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या हुआ। अरे मेरे को पता है ऑलरेडी, गेम स्टार्ट करते सीधा। भाई यहाँ पे सबको सब कुछ ही पता है, तो फिर स्टार्ट करते हैं अपडेट और नॉट, और स्टार्ट करते हैं लॉल से। तो लॉल भाई बताइए, निम्बस आइलैंड्स अपडेट और नॉट? अपडेट। क्या होता है निम्बस आइलैंड? निम्बस आइलैंड एक फ्लोटिंग आइलैंड है, मतलब मैप में दो आइलैंड रहेंगे, वो फ्लोटिंग रहेंगे, हवा में रहेंगे, तो होगा क्या, वो एक मेजर हॉट ड्रॉप है, जो भी प्लेन पाथ से जाएगा तो कोई एक तो आइलैंड क्लोज रहेगा ही, तो सारे लोग वहाँ पे ही जंप करेंगे एंड वहाँ पे फाइट होगी, अगर बाय चांस कोई फिनिश हो भी जाता है तो वापस रिकॉल होके नीचे आ जाएगा। बट इसमें एडवांटेज ये है, बार बार कोई नहीं आ पाएगा, जैसे अभी के अपडेट्स में क्या होता है कि एक बार अगर कोई वहाँ पे फिनिश हो जाता है तो वापिस से प्लेन पास आता है, वही हॉट ड्रॉप पे वो वापिस से लैंड होता है। बट ये एक एडवांटेज है रैंक पुशर्स के लिए कि भाई एक बार वहाँ पे अगर क्लियर कर लिया, फुल लूट करो, जंप करो एंड फिर अपना मैच कंटिन्यू करो। हाँ बात है, फ्लोटिंग शिप्स अपडेट और नॉट? अपडेट। कैसे? फ्लोटिंग शिप्स नाम का एक जगह है जो मतलब मिड ऑफ द गेम में हवे में एक स्काई में शिप्स चलती है, जिसपे जाने के लिए आपको एक मतलब मैजिक कारपेट लगता है जो कि है गेम में अपडेट में आने वाला है, वो पूरा वर्टिकली लॉन्च करके आपको उस पर लैंड करना होता है और वहाँ पे जाके मतलब आप स्काई में चलते हैं, जैसे हवा में चलते रहता है, आप किधर भी ट्रैवल कर सकते हो, किधर भी जंप कर सकते हो या फिर मतलब सेलिब्रेशन डिप्लॉय कर सकते हो, जिससे जो भी नीचे बंदे रहेंगे उनको सेलिब्रेशन दिखता है। एक और चीज है, आप खुद भी अपने आप को डिप्लॉय कर सकते हो वहां से, और आप सीधे नीचे रैंक रिवॉर्ड में जा सकते हो। गॉब्लिन तो बताइए, अपडेट और नॉट ट्रेजर मैप्स? अपडेट। तो ट्रेजर मैप जैसे कि लॉल्स ने बोला निम्बस आइलैंड्स में लोकेटेड है, उसमें ना बहुत सारे टनल्स है और बहुत सारे मैजिकल पावर्स है जिसमें तुम लोग उधर जाके वो पिकअप करके यूज कर सकते हो। क्या बात है, क्या बात है। द हम्बल आइडियल द लैम्प गन
अपडेट और नॉट? यू आर अ गुड क्वेश्चन. ये नहीं आ रहा है. कुछ चीटिंग चल रहा है क्या? तुम कुछ सारे आंसर्स कैसे पता हो सकते हैं? कुछ तो गड़बड़ है यार. स्मार्ट है हम लोग यार. कोई बात, आईजेल हूं मैं, क्या बात कर रहा हूं. अंबल, तो चलते हैं लॉल्स अब आपकी तरफ. आप बताइए, अपडेट और नॉट रिस्पॉन कार्ड? अपडेट. अरे निम्बस आइलैंड जो मैंने आपको बताया, तो वहां पे अगर तुम उतरोगे एंड सेंटर में लूटोगे तो तुमको 4 रिस्पॉन कार्ड मिलेंगे. वो आप अपने टीममेट्स को देके 3 बार रिकॉल कर पाओगे. लाइक एकदम मजा पड़ी जैसे. मुझे लगता है कि मेरा ये मैजिक है कि आप लोग को सबको समझ में आ रहा है. इस पावर आप बताइए, मैजिक कारपेट अपडेट और नॉट? अपडेट. भाई ये क्या जीडी है. मैजिक कारपेट मतलब आप एक कवर बना सकते हो, जब आपको कोई गोली मार रहा हो उड़ सकते हो. लेकिन वो इजी वगैरह वो सब कंट्रोल वगैरह में इजी नहीं होता. वो जैसे किधर घर पे लैंड करना हो, पुश करना, वो इजी नहीं है. और एक और एक चीज है कि जब अगर कोई आपको मार रहा हो मैजिक कारपेट पे, तो शील्ड बनती है बट लिमिटेड टाइम के लिए. अगर कोई एनिमी ज्यादा ही बुलेट शॉट कर रहा होगा आपके कारपेट पे, तो आपकी कारपेट फट जाएगी, जिसकी वजह से आप नॉक भी हो सकते हो. तो बताइए अपडेट और नॉट डांसिंग ग्रेनेड? कुछ भी पूछ रहा है यार. अपडेट है यार. तो एक नॉर्मल ग्रेनेड जैसा होता है जिसको थ्रो करने में फटता है, तो इसका थोड़ा डिफरेंट है. लाइक डांसिंग ग्रेनेड ऐसा है कि उसको थ्रो करोगे तो एक स्पीयर सा बनेगा, जिसमें अगर तुम जाओगे तो एनिमी 5 से 10 सेकंड के लिए डांस करेगा और उसमें तुम उसको जाके इजीली मार सकते हो. पर एक चीज है कि अगर तुम खुद भी चले गए ना, तो तुम भी डांस करने लग जाओगे. अरे क्या बात है. अब हम चलते हैं हमारे आखिरी अपडेट और नॉट क्वेश्चन की तरफ. पोर्टल्स अपडेट और नॉट? अपडेट. अरे बहुत अच्छी चीज है. हमें एक पोर्टल स्टिक मिलती है, उससे क्या होता है कि 2 पोर्टल्स खुल जाते हैं, हम उसके थ्रू टेलीपोर्ट कर सकते हैं. अब मेरे जैसे प्लेयर्स के लिए बहुत अच्छा है, कोई मारने आगे इधर से वहां भाग जाऊंगा, उधर आया तो यहाँ भाग जाऊंगा, कभी यहाँ ग्रेनेड करके वहां भाग जाऊंगा, वो पीछा करेगा तो यहाँ फट जाएगा. अबे तुम जो बोले पोर्टल, अगर मैं पोर्टल के अंदर नेट फेंकूंगा तो वो दूसरी साइड जाएगा भाई. तभी तो मैं बोल रहा हूँ, उधर बंदा है उसकी साइड पोर्टल खोला, नेट फेंक दी. ये तो बढ़िया चीज है. बढ़िया चीज है भाई. ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ कि आप लोग अपनी स्ट्रेटजीज जो है वो पूरी तरीके से बनाना शुरू कर चुके हो. बढ़िया है. मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि आप लोग क्या बेहतर करने वाले हो इस अपडेट के बाद. अब चलते और थोड़ा बातचीत करते हैं कि व्हाट यू कुड हैव डन बेटर. ये एक सेगमेंट है हमारा और यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा, आपकी कॉम्पिटिटिव जो क्लिप्स है कुछ उसको हम प्ले करेंगे, आपकी कुछ रैंक पुश की क्लिप्स प्ले करेंगे और वहां पे हम आपसे जानेंगे कि आप क्या कुछ अलग कर सकते थे. तो बताइए क्या अलग कर सकते थे आप इस? वैसे तो मैं ज्यादा गलतियां करता नहीं हूँ, एक गलती करता हूँ हमेशा. ओपन में जाके मरने वाली. एक BGS का मैच था और यार मतलब ना ऐसा था कि हमें बहुत सारे पॉइंट चाहिए थे उस मैच में, तो तुम्हारा भाई फिनिशेस के लालच में छत पे चढ़ गया था सिमेंट्री के और नॉक फिनिश हो गया था यार. फिर उस मैच की वजह से हम लोग क्वालिफाई नहीं हो पाए थे, तो वो एक मैं चेंज कर सकूँ तो करूँगा डेफिनेटली. अरे कोई बात नहीं यार, जो बीता सो बीत गया. अभी तो और भी टूर्नामेंट्स आ रहे हैं बहुत सारे, हम प्रीटी श्योर कि आप उसमें बहुत कुछ बढ़िया करने वाले हो. कि आप बताइए अगर आपको कोई चीज बदलनी होती जो आपने पास्ट में गलत की, तो वो क्या होगी गेम के अंदर? वीकेंड का एक इवेंट था जिसमें हम NTD पे पुश कर रहे थे, जबकि हमें NTD पे पुश नहीं करना था, OG पे पुश करना था, जहाँ पे OG के 2 बंदे बाकी थे और हमें प्रॉपर इन्फो थी. वो इन्फो के बावजूद हमने गलती कर दी, तो हमने जाके अपने 4 फिनिशेस भी उन्हें दे दिए, जिसकी वजह से हम तो मर गए लेकिन NTD को और पॉइंट्स मिल गए. वही 4 फिनिशेस लेके वो वहाँ से आगे बढ़े और वही मैच उन्होंने चिकन डिनर निकाला और वहाँ से हमारी लीड बना ली इवेंट में, जिसकी वजह से पूरा इवेंट कॉस्ट कर गया हमारा और हम मैच टैग 2 फिनिश किए. ये देखो DBS अब थोड़ी नर्फ हो रही है ना, तो कुछ ना कुछ चेंजेस तो आने वाले हैं फॉर श्योर. ओमेगा, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि अगर आपको पास्ट में जाके कोई चीज बदलनी होती गेम प्ले वाइज, तो आप क्या करते? गेम प्ले वाइज तो नहीं बट टीम वाइज मैं बदल सकता हूँ थोड़ा, जैसे इसको टीम में लेना, ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी बट हाँ गेम प्ले में भी होता है. तो अभी रिसेंट मैचेस की बात है, तो एक सिचुएशन ऐसी थी कि 2 टीम्स की फाइट हो रही थी एंड एक टीम वाइप आउट होगी, मैं सोलो बचा हुआ था, सामने एक बंदा नॉक था, दूसरा बंदा उसको रिवाइव कर रहा था और एक राइट साइड में एक बंदा था जो बहुत स्लाइट दिख रहा था, बट मेरे को ये चीज़ ध्यान नहीं रही कि जिस रिज पे मैं हूँ वहाँ पे मैं सिर्फ प्रॉन करके बच सकता हूँ और मैं क्राउच था और उस बंदे को मेरा हेड विजिबल था, उसने मुझे मार दिया. अगर मैं वहाँ पे थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाता हमारे असॉल्टर्स की तरह, तो शायद मैं वो फाइट निकाल सकता. देखिए यूजुअली आपको आपके अग्रेसिव नेचर की वजह से जाना जाता है गेम के अंदर भी और आउट ऑफ द गेम भी. क्यों गॉब्लिन, सही बोल रहा हूँ ना मैं? जी हाँ, समझ नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है. ऐसा कुछ नहीं है. अरे मेरे से डरता है अभी, इसलिए बोल ही रहा. बट लॉल्स आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप रैंक पुश करते हो, कॉन्करर पहुंचते हो, आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी गलती जो आपने की अभी हाल फिलहाल में? रैंक पुश के बारे में बताओ तो भाई, कॉम्पी से बहुत ज्यादा डिफरेंट है ये चीज. यहाँ पे लोग DBS लेके कैंप करते हैं, कॉम्पी में घुसते हैं. तो एक मैच थी, मैं स्क्वाड हाउस में फंस गया था एंड मेरे पास 2 कार थी.
साला दोनों कार के टायर फोड़ दिए। अब करूँ तो करूँ क्या, ओपन जोन है तो मैं जाऊँगा ऐसा ना, मेरे पास स्मोक है। तो वही था, मैं टॉप 10 पहुँचने वाले, में कुछ लिमिटेड पॉइंट्स की जरूरत है, आई गेस 2-3 पॉइंट्स के थे, तो वहाँ पे मेरा टॉप 10 रह गया था। आई मीन चाहे वो रैंक पुश की बात हो या फिर कॉम्पिटिटिव की भी, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हीकल्स का रहना, क्योंकि मोबिलिटी और सारी चीजें काफी हेल्प करता है उसमें। वो कार्स के ऊपर मेरे पास आप लोग के लिए एक बहुत बेहतरीन अपडेट है, और वो रहने वाला है एक कोलैबोरेशन BGMI X Bentley, जिसमें गाड़ियों की बात हो रही है। मैं हूं ना भाई, अपने को सब पता है गाड़ियों के बारे में। अच्छा हाँ, जो कोलैब हो रहा है उसका स्पिन आएगा, बहुत मस्त सा। तुझे पता है उसमें 9 गाड़ियां हैं और एक से एक बढ़िया, सारी डिफरेंट, और बेंटली है तो यार ऑब्वियस सी बात है टॉप नॉच। निकालनी तो पड़ेगी भाई। मैं बताता हूँ ना कैसे निकालनी, ढेर सारी यूसी, क्योंकि आपको जो स्पिन मिलेगा उसमें, आपको जब बिल्कुल लेवल 8 जाओगे तब आपको मिलेंगे 3 कूपन, और हर कूपन से तुम अपनी गाड़ियां निकाल सकते हो। इसमें 3 कूपन मिलेंगे? मैं तो सारे निकालने वाला हूँ। ये चीज तो फॉर श्योर है कि ये बेंटली कार निकालनी तो पड़ेगी, क्योंकि मजा बहुत ज्यादा आएगा। फ्लॉन्ट करेंगे यार भाई, बहुत मजा है। वही ना, तुम जाओगे क्लासिक में गाड़ी लेके, लॉबी में गाड़ी, लॉबी में सब ऐसे देखेंगे भाई। बट हाँ यार, सब मारने भी आएंगे वो गाड़ी, हाँ, गाड़ी, वो गाड़ी हर कोई, ये गाड़ी चाहिए, ये गाड़ी चाहिए, इसको मारो, सब मारेंगे। अबे गाड़ी से एक चीज याद आई, तुमने देखा रहेगा वो, पता है रॉनी वाला मैच स्किन की वजह से वो बचा था। स्किन के बहुत फायदे होते हैं। हमारे मैचेस थे BMPS के, ठीक है, और एक्चुअली मेरे को स्किन्स थोड़े लेट मिले, तो मैं उनसे झगड़ रहा था कि सब पे स्किन है, मेरे पे स्किन नहीं, क्योंकि BMPS की डिफरेंट आईडी थी। तो ये लोग कैसे फ्लैट गाड़ी रहती है थोड़ी स्किन्स वाली, तो उस पे गोलियां थोड़ा, मतलब समझ रहे हो, ट्रेस करना हार्ड होता है, विंडोज कम हो जाती है। हाँ, और जो नॉर्मल स्किन है उसकी विंडोज थोड़ी बड़ी होती है, तो वो एडवांटेज होता है। और मैंने सुना मतलब बेंटले में एकदम डिफिकल्ट है, क्योंकि पीछे से और विंडोज बहुत स्मॉल है, और पीछे से पूरा बिल्कुल नहीं नहीं आई है ना, कोई ट्रेस ही नहीं कर सकता, फटाफट निकालो और फायदा उठाओ, निकालना पड़ेगा। क्या बात है यार, मैं सोच रहा हूं कि होस्टिंग वोस्टिंग छोड़ दूं, आप लोग को ऑलरेडी सब कुछ पता है, बट ये जो अगला अपडेट है इसके बारे में आप लोग को शायद नहीं पता होगा, एक और चीज। अरे भाई, एक्सूट, इग्निस एक्सूट आ रहा है, और ये फर्स्ट एवर एक्सूट है जो मेल एंड फीमेल दोनों में आ रहा है भाई। और इतना ही नहीं, साथ साथ AMR की स्किन भी आ रही है। लॉल्स भाई, सिर्फ वहां पे ग्राइंड नहीं चल रहा, यहाँ पे भी आप ग्राइंड कर, मेरे को लग रहा है कोई तो है जो आप लोग को ये सारी बातें बता रहे हैं, बट अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं। अरे रुक रुक रुक, मैं बता रहा हूँ यहाँ, बाकी का मेरे को पता है। तो एक नया गोल्ड स्पिन आ रहा है जिसका नाम है क्लाउट कोर्टयार्ड, जिसमें ओरिजिन ल्यूमन गन स्किन है, बैकपैक है, गन इमोट है, कस्टमाइजेशन भी अवेलेबल है। जी हाँ, कस्टमाइजेशन है। तो कस्टमाइजेशन में क्या होता है कि आपकी जो गन की स्किन है, जो बैकपैक है, जो नेट की स्किन है, वो सारी सेम रहेगी, और वहां पर आप और भी ज्यादा फ्लॉन्ट कर सकते हो, और इट विल बी लाइक कि एक यूनिफॉर्मिटी रहेगी आपके पूरे ड्रेसिंग में, और सारी जो चीजें आप कैरी करते हो उन सारी चीजों में। भाई बहुत पैसे लगेंगे, बट मैं सब लेने वाला हूँ, ये पक्का है। देखो सब लूंगा, मैं समझ रहा हूँ कि अब एक समस्या आप लोग के सामने आ चुकी है कि पैसे बहुत लगेंगे, लेकिन क्योंकि मैं जिनी हूँ और मेरा काम है कि मैं आपकी समस्या का समाधान लाऊं, तो इसलिए एक और इवेंट आ रहा है जिसका नाम है UC अप। और इसमें क्या है कि UCs जो है वो लगभग 2x आपको मिलने वाली है, तो आसान रहेगा आप लोग के लिए सारी चीजों को अपना बनाना। आई मीन जिनी की शक्तियां धीरे धीरे काम आ रही है, अभी समझ रहा हूँ मैं। बट इस बार जो क्रिकेट का सीजन है, एक मिनट, ये जब सभी बता रहे हैं तो मुझे भी पता ही होगा। तो मुंबई इंडियंस की 4 स्किन आ रही है, एक DP28 की, एक बैकपैक की, एक डासिया की, और एक आउटफिट। तो मैं तो जा रहा हूँ, ले लूंगा मैं, तुम लोगों को भी मजा आएगा, बात मान लो। इसको क्यों लेके आए हैं समझ नहीं आया, कुछ बता ही नहीं, नहीं, नहीं कर देते, बस बैठा है। देखो तुम लोग को ऐसा लग रहा है ना कि तुम लोग को सब कुछ पता है, बट जिनी जब गुस्सा होता है तो चीजें बहुत बदलती है। ट्राई कर लो, ट्राई कर लो, बोलिए दो, बोलिए ले रहो। अब हम एक सेगमेंट की तरफ चल रहे हैं जहां पर हम देखेंगे कि आप चारों में से सबसे ज्यादा FD रेशियो किसका है। अरे भाई ये तो अनफेयर है यार, जैसे कि अभी लॉल्स हो गया, ये क्लासिक खेलता है पूरे टाइम, इसके जो 3 टीममेट्स है इसको पूरे फिनिशेस देते हैं, वो भी बॉट्स के लास्ट में और बीच में भी, तो इसकी FD तो ज्यादा ही होगी यार ऑब्वियसली। इस्तेमाल करता हूँ और यहाँ पर लेकर के आता हूँ वो कड़वा सा कॉफी का घूट। ये क्या है? गलत बे। जिनी ब्रो। चल स्टार्ट विद यू गॉब्लिन, कितना है भाई? 11.5। ओके ओमेगा द IGL 17 है मेरा, तो 17, ओ माय गॉड,
कम ऑन ओमेगा, इट्स 7 हां। तो मतलब आप कॉफी शॉट पी रहे हो, ये तो कंफर्म हो चुका है। अरे मैं खेलता नहीं हूं ना क्लासिक यार। हाँ, मतलब पहले मैं लॉल्स का ले लेता हूं। लॉल्स तो मैचेस ज्यादा है सबसे ज्यादा। ओके सो लॉल्स का है 14.51। हां यार माय गॉड, आई मीन आई थिंक यू आर अ क्लियर विनर। विनर बच गया ब्रो, आप भी दे दीजिए। आप भी दे दीजिए। ओके गाइस, एस पावर का एफडी रेशियो है 14.75 एंड ही इज द विनर। बाबा रे, ये कैसा हो गया भाई? अबे कांग्रेचुलेशंस। कुछ जलने की बदबू आ रही है। अबे किसी और का तो स्क्रीनशॉट नहीं दिखा दिया? नहीं नहीं नहीं, अपना भाई। कॉफी शॉट्स भी आप लोग ले ही लीजिए। अभी देखो ये इतना एक्सेप्ट करे तो एक इसके लिए भी बनता है। नहीं, फेयर गेम भाई, फेयर गेम। ओ वाओ, कर रहा हूं थोड़ा सा, थोड़ा इस हाथ में ले ऐसे ऐसे बट अभी के लिए हम चलते हैं आगे। और देखो एक बात तो तय हो गई है कि अपने स्किल सेट को बढ़ाने के लिए, एफडी रेशियो को बढ़ाने के लिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो जो शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ मैप्स होते हैं ना, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। आई एग्री कि ऐसा होता है ना कि क्लासिक मैचेस में अगर इवेंट्स नहीं चल रहा है तो ऐसा होता है कि एक बार तुम फिनिश हो जाते हो तो उसके बाद तुम्हें स्पेक्टेट करना पड़ता है। बट जो शॉर्टर मैप्स हो जैसे अरीना टीडीएम हो गए, उसके अंदर तुम्हें बैक टू बैक फाइट्स मिलती रहती हैं, तो तुम्हारा गन गेम बहुत अच्छे से पॉलिश होता है मेरे हिसाब। तो यार कैसा रहता है ना कि जैसे इंपॉर्टेंट मैचेस हो गए, कस्टम्स हो गए, टूर्नामेंट्स हो गए, तो उनसे पहले इन्वेंट्री, अल्टीमेट अरीना, ये सब खेल के ना एकदम हाथ छूट सा जाता है, फिर तुम्हारा भाई एकदम समझ रहे हो ना। वाओ वाओ से याद आया, 3.1 के अपडेट में आ रहा है वाओ मोड, जो कि एकदम ही अनबिलीवेबल है। अल्टीमेट अरीना, डेथ मैच अरीना, ट्रेनिंग हंगार वंगार जो भी है क्या इस? मतलब उसमें आप बेसिकली 4v4, 2v2, स्क्वाड हाउस प्रैक्टिस, कंपाउंड्स के प्रैक्टिस, कस्टमाइज्ड मैप्स में आप खेल सकते हो, मतलब जो कि डिफॉल्टली आते हैं, जिससे प्लेयर्स का, कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स का, अंडरगॉड्स प्लेयर्स का, क्लासिक प्लेयर्स का, उनका इंडिविजुअल गन पावर इंप्रूव हो। और फाइनली वो 3.1 अपडेट में आ रहा है जो कि अनबिलीवेबल है। जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, क्या बात है। और मेरे को लगता है कि ये सिर्फ कॉम्पिटेटिव प्लेयर्स के लिए नहीं, अगर आप रैंक पुश की भी बात कर रहे हो, मेरे को लगता है लॉल्स कहीं ना कहीं उसमें भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके कुछ पर्टिकुलर वीकनेस होती है, जैसे कि व्हीकल ट्रेसिंग एक वीकनेस हो गई, कंपाउंड की फाइट एक वीकनेस हो गई, और आप कस्टमाइज मैप्स में ये सारी फाइट्स को ले सकते हो और अपने आप को इम्प्रूव भी कर सकते हो। नो डाउट यार, तुम्हें जो बोला वो एकदम सही बोला। लाइक मेरे खुद का जो कार ट्रेसिंग है वो थोड़ा सा वीक है, तो अभी चांस है कि मैं ये सारे मोड खेल के थोड़ा सा खुद प्रैक्टिस करके क्या पता कॉम्पी में आ जाऊं। ओहो, एक चांस है, देख लो, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू इम्प्रूव योर गेम स्टाइल। एंड और एक चीज मैं इसमें एड ऑन करना चाहूंगा, लाइक बहुत सारे स्ट्रीमर्स है जो BGMI को लाइव करता है, उसके अंदर बहुत सारे फन मैप्स भी होते हैं, लाइक तुमको ऊपर से कूदना है, पूरा पार्कोर करना, पार्कोर मोड, वो भी एक बहुत सही है, तो लाइक मजा आएगा यार जब लॉन्च होगा तब मजा आएगा। बट यार जब कॉम्पी की इतनी बात चली रही ना, तो हम बात करते हैं अपकमिंग टूर्नामेंट्स के बारे में, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि कुछ लैन इवेंट्स भी हो रहे हैं आगे, बहुत सारे और भी टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, तो ये जो कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट्स होते हैं उनके बारे में आप लोग की क्या राय है, कितना मजा आता है? तो मेरे को ऐसा लगता है यार, लैन पे ना अलग ही फन होता है, तो उसमें जो वाइब रहती है ना कि लोग चिल्ला रहे हैं, लोग सपोर्ट कर रहे हैं अपनी फेवरेट टीम को, तो एक एड्रेनलिन बूस्ट रहता है ना, वो मिलता है। इवेंट्स में बहुत मजा आता है, और ऑफिशियल इवेंट्स में तो बहुत ही ज्यादा मजा आता है, जैसे अभी अहमदाबाद हुआ था, तुम्हारे यहाँ गुजरात तो थोड़ा सा हो जाए गुजराती में थोड़े से। सच बताओ तुमको मजा आया कि नहीं गुजरात? भाई मजा आया भाई, क्या वाइब थी भाई, जो सपोर्ट, कितने लोग थे भाई, पूरा भरा हुआ था भाई, देखे उतने लोग, आई थिंक वॉकिंग 14,000 लोग आए थे लास्ट डे पे, मतलब मैंने इतने ऑडियंस कभी नहीं देखे भाई। गुजरात में ओछो ना समझो, फाड़ी ना के बड़ी वस्तु। लेकिन अभी ना हमने बहुत सारी बातें कर ली, लेकिन मैंने एंड में ना अपना फेवरेट वाला बचा के रखा, तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है उसके लिए, और थोड़ा सेटअप में बदलाव चाहिए। तो आर यू गाइस रेडी? क्यों नहीं, चलो करते हैं हमारे अगले सेटअप की तरफ, मेरे जीनी वाले तरीके से। देख रहे हो गाइस, मेरा जादू, मेरा मैजिक क्या बढ़िया होता जा रहा है टाइम के साथ। थैंक यू, इस बार अच्छा था। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फिलहाल अभी तुम लोग ये देख के समझ पा रहे हो कि यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? भाई ये पुतले को सूट ट्राई कराना है क्या? अरे नहीं, सूट ट्राई नहीं कराना है, ये सूट कुछ रिक्रिएट करना है। ये कैसे करेंगे यार? होली आ रही है BGMI में, जो तुम ये सब करवाने लग रहे हो। बिल्कुल सही पकड़ा है आपने जिया, हमारा जो फाइनल इवेंट है वो रहने वाला है होली इवेंट, जहाँ पे बहुत ही ज्यादा एक रंग बिरंगा सा जो सूट है वो आने वाला है, और आपको कोशिश करनी है कुछ ऐसा रिक्रिएट करने की। आपके पास जो वाटर बलून है वो नीचे बकेट में है, तो आप लोग उसको उठाइए और कुछ बढ़िया सा सूट बनाइए। चलो इधर से मार। हाँ
देखा फूटा 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 एक दो तीन जगह मारते हैं थैंक यू दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपसे बात करके बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हमें मिली हमारी ऑडियंस को मिली है और वो लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आपको ये 3.1 अपडेट का पॉडकास्ट बहुत ज्यादा पसंद आया होगा और अगले पॉडकास्ट का आप अभी भी इंतजार करेंगे बट गाइज अब तो तुम लोग को मेरी मैजिकल पावर से भरोसा हो ही गया होगा राइट पूरा पूरा बोल सकते अंधा वो भी और अब घर जाने का भी टाइम आ चुका है तो फिर मैं तुम लोग को मैजिक से घर पहुंचा देता हूँ Two and one.